घोड़े ने दुनिया दिखाई। दुनिया का मतलब यही हो गया अपना आज गुजरात कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जहाँ आपकी पहचान ना हो, तो ये तो घोड़े की ने सब कुछ दिखाया। फिर फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा हो गया कि मुझे तो लगता नहीं किसी को कहने की आवश्यकता। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आतिफ अनवर, मैं आया हुआ हूँ पुष्कर मेले में। देखिए पुष्कर मेले में एक से एक घोड़ा घोड़ी पहुँचे हैं, तो वहीं यूपी शामली से एक घोड़ा आया है जिसका नाम है देवा। घोड़ा भी खूबसूरत है, मालिक कह सकते हैं जावाज है, दिल के दिल फेंक हैं, क्योंकि उन्होंने इंतज़ाम ऐसे करे हैं देवा के कि जैसे मान लो एक कह सकते हैं ना कि कोहिनूर का हीरा है उनका। तो दीपक भाई से बात करेंगे, शामली के हैं। दीपक भाई हालचाल क्या है पहले ये बताओ। बहुत बढ़िया, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये बताइए, थके थके बहुत हैं? नहीं थके तो भाई पता क्या है, थकने का कोई हाल ही नहीं होता, बस ये तो मेला ही ऐसा है जो आदमी को जवान बनाए रखता है। जवान बनाए रहता। अच्छा जैसे पहले सबसे पहले घोड़े की लाइन वाइन बता दो। घोड़ा भाई शायर भाई भारत रत्न आ गया इसका, ठीक है। ग्रांड शायर देवराज आ गया, देवराज दिलबाग आ गया, ठीक है। जो फादर साइड हो गया भारत रत्न का फर्स्ट फोल देवा ही है। अच्छा ठीक है ना जी। और मदर साइड शकीरा, शकीरा प्रभात की होगी डायरेक्ट, शकीरा की माँ मीनाक्षी थी जो बादल स्टड फार्म में है। तो ये सब पैडागिरी के उससे स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अभी हाइट वगैरह कितनी हो गई? हाइट भैया 66 के समथिंग। 66 के समथिंग। तो आपके पास कब आ गया ये? मैंने लिया था भाई जब छोटा ही बच्चा था, 10-12 महीने के समथिंग। अच्छा दीपक भाई ये बताओ शौक कहाँ से आ गया? भाई शौक तो ऐसा था, बड़े भैया रखते थे वो घोड़े को, रखते रखते वो बेटा भी जाने शुरू हो गया फार्म पे, उसे राइडिंग का शौक लगा, राइडिंग उसके शौक के चक्कर में पूरा करते करते बस ये चीज़ ही ऐसी है भाई, ये निकलती नहीं आपके जहन में से। आप बता रहे थे कि भाई आप जा रहे थे कहीं, तो कई राइडिंग वाले घोड़े देख लिए थे। वो राइडिंग वाले देखे कि भाई हमें भी लॉकडाउन में लग गया कि भाई अपना राइडिंग करना शुरू कर। लॉकडाउन से ये कीड़ा उठा, लॉकडाउन से लगता है क्योंकि देखिए लॉकडाउन में बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली भी, लेकिन बहुत से लोग ये भी हुआ है कि शौक में अच्छे शौक में आ गए। नहीं हमारी तो ज़िंदगी बदली है, खराब वो नहीं हुई कोई भी, अच्छी चीज़ है। नहीं अच्छी भी हुई है, बहुत बढ़िया। लॉकडाउन अपने लिए सबसे बेस्ट रहा, लॉकडाउन अच्छा रहा। तो जैसे देवा जब आपके पास आया, तो आपको जब आपने लिया था तो इसमें क्या आपको ऐसा लगा, उसकी लाइन अच्छी लगी कि आपको घोड़ा अच्छा लगा था? नहीं देवा से पहले अपने पास भी 4-5 बच्चियाँ आई जो अच्छी उसकी थी, पैडेगिरी जिनकी बहुत मजबूत थी। देवा उनसे कम से कम 2 साल बाद आया। अच्छा देवा के उसमें सारा एक्सपीरियंस जब तक पूरा प्रॉपर हो चुका था, लाइन का हर चीज का देखने का पैडेगिरी का, तो बस पैडेगिरी बड़ी मैटर करती है, मैटर कर। अच्छा जैसे आप इस लाइन में आए, आपको लगभग 5 साल आपने बताए, लोगों को सालों साल लग जाते दीपक भाई यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन इसमें क्या मानते हैं कि आपका क्या लक रहा कि नज़र अच्छी रही कि पैसे ज़्यादा खर्च करें? नहीं नहीं इसमें नज़र अच्छी भी रही भैया, देखो वो आपकी सबकी नज़र अलग होती है, जोरी जोर हीरे को अपना भी तरास लेता है। सही बात है, बहुत हीरा होता है पत्थर पर, वो तरासने के बाद ही हीरा बनता है। सही सही। तो ये तो अपनी नज़र थी, फिर अपने जो हर चीज़ में अपने गुरु भाई कह लो या शिक्षा देने वाले कह लो, उनका भी बहुत योगदान रहा। अच्छा तो ये है कि लोग आपको अच्छे मिल गए। तो अभी जैसे यूपी में देखिए फार्म बन रहे हैं, तो आपने जब फार्म की अपनी न्यू स्टार्ट करा, तो आपको ये नहीं लगा कि हम यूपी में स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि मामला ना बन पाए? देखो मुझे ये बता रखा था कि जो अच्छे घोड़े हुए वो इतने आउटर में थे, राजस्थान कह लो कहीं गुजरात कह लो, कि जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन मुमकिन नहीं होया करता था। नहीं था, लोग बाग गाड़ी से गाड़ी का, फिर उसके बाद ट्रैक्टर के बाद पैदल जा के भी वहाँ से अच्छे घोड़े निकाल के ला। तो यूपी में तो कोई इतना बड़ा वो नहीं था, आपके दिल्ली भी नज़दीक हो गया, हरियाणा आपसे लग गया, तो इतना वो नहीं था कि घर पे करने पे आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आप कैसा फील करते हो, एक फार्म है, घोड़े का नाम है और उससे आपका भी नाम कहीं ना कहीं जुड़ रहा है? देखो घोड़े ने दुनिया दिखाई, दुनिया का मतलब यही हो गया अपना आज गुजरात कोई भी ऐसी स्टेट नहीं जहाँ आपकी पहचान ना हो, तो ये तो घोड़े की ने सब कुछ दिखाया। फिर फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा हो गया कि मुझे तो लगता नहीं किसी को कहने की आवश्यकता होगी कि आपकी फ़ोन की मेमोरी भर जाएगी दोस्तों की, वो नहीं भरेगी लिस्ट। अच्छा ये बताइए ये शौक कैसा है घोड़ों का? घोड़ा का शौक बढ़िया है, शानदार है, कोई नहीं, आपको किसी की कंपनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है, अगर आप रखने में स्टेबल हो, स्पेस हो, समय हो, तो शानदार चीज़ है। नए लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? लाइन उनको अगर उनके पास टाइमिंग है सब चीज़ है तो नो डाउट
प्रेफर करें भी हर चीज को करना चाहिए, शौक है बिल्कुल। टेंट वेंट में तो मार खर्चा कर दिया? नहीं नहीं, ये टेंट वेंट तो भैया देखो। अच्छा, ये आपके दिमाग में कब आया कि हम इस तरह का कुछ करेंगे, क्योंकि सबसे अलग है? नहीं, ये कहाँ से आइडिया आया? ये पता क्या है, ये थोड़ा सा दोनों ही अट्रैक्शन भी बनाना पड़ता है, और ये आपको इस चीज पे भी गाइड करता है या दिखाना पड़ता है कि आपके प्रति कितना प्यार है इस चीज से, घोड़े से कितना प्यार है। सही बात। तो चलिए दीपक भाई, अब क्या है कि मेले में जब आप पहुँचे तो यूपी वालों का भी नाम आप कर रहे हैं रोशन, और मैं तो यही कहूँगा कि भाई घोड़ा नाम बनाता है इस लाइन में, और वो आपका बन रहा है कम टाइम में, और हम तो उम्मीद करते हैं दीपक भाई बहुत आपका नाम हो दुनिया में, और बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें बस। सही बात। तो दीपक भाई जैसे बात कर रहे हैं, अभी मीटिंग इसकी स्टार्ट कर दी है आपने? जी जी जी, मीटिंग स्टार्ट कर दी। तो क्या इसका चार्ज वगैरह क्या रखा है? देखो अभी पुष्कर में आ रखा, तो हमने एक तरह से किसानों के लिए ये रख रखा है कि भाई कोई अगर यहाँ आए तो इन्हें बड़ा वो मिल जाएगा, आसान हो जाएगा उनके लिए। तो यहाँ तो हम चार्ज बहुत कम कर रहे हैं, तो डॉक्टर के लिए आ जाएंगे उनके लिए खुशखबरी है किसानों के लिए मान लो। और वैसे हमने 71,000 इसकी फीस रखी है स्टेबल पे। अच्छा, ये चैंपियन भी है ना, कितनी बार कहाँ कहाँ जीता है? ये टूटीत में एम्पायर हॉर्स क्लब में और मिल्टीत में एम्पायर हॉर्स क्लब में रहा लुधियाना शो। ये है कि अब तैयारी है और शो की, बस अब जाए 14th हो गया, अब ऑस्ट्रेलियन कैटेगरी में आगे पार्टिसिपेट करने उतारेंगे, देखते हैं ऊपर वाले ने चाह, वर्मा जी ने चाह तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, पुष्कर मेले की वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।